हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं यथार्थ और आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स 2023 के एनालिसिस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो प्रीलिम्स 2023 हर कोई कह रहा है कि एक डिफिकल्ट और रादर रैंडम पेपर था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने कई लोगों को तो एकदम ऑब्लिटरेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया इनफैक्ट, है ना। कई लोग बोल रहे हैं कि ये टेक्निक्स काम नहीं आई, वो काम नहीं आया। कई बोल रहे हैं कि सोर्सेस का ही पता नहीं, कोई पैटर्न नहीं था। तो हम देखते हैं इन बातों में क्या तो सच्चाई है, यही क्या ही मिथ है। और इसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, अब ऑब्जेक्टिव पास्ट से डील करना नहीं है कि भाई हम 23 को देखते रहे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डील विद द फ्यूचर, क्योंकि जिन लोगों का प्रीलिम्स 23 जैसे अच्छा हुआ है, दोज हु थिंक दे आर क्लियरिंग द कट ऑफ मार्क्स, सो दे आर प्रिपेयरिंग डायरेक्टली फॉर मेंस। उन्हें कोई मतलब नहीं है एनालिसिस वगैरह से, उनका तो प्रीलिम्स हो गया एंड दिस इज ए क्वालिफाइंग एग्जाम। तो किसके 150 आ रहे हैं, किसके 100 आ रहे हैं, किसके 90 आ रहे हैं, इट डजंट मैटर टू देम। ऑलराइट, तो वो सीधा क्या कर रहे हैं, मेंस। एनालिसिस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एनालिसिस इंपॉर्टेंट है जिसने कुछ ना कुछ वजह से कट ऑफ मिस किया है। ऑलराइट, वो यहां पे है एंड दिस इज द कट ऑफ लाइन। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एनालाइज करें कि हुआ क्या भाई, किस तरह से वी कुड हैव टुक ए हायर स्टेप दिस टाइम एंड क्लियर द कट ऑफ इन 2024। इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे एंड वी विल डील दिस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन। विल नॉट डील कि भाई ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चन आए, 17 आए या 16 आए, या इकोनॉमी के इतने आए, क्योंकि बात ये नहीं है कि क्वेश्चन कितने आए, हाउ मैनी केम। बात ये है कि वर यू एबल टू सॉल्व देम। क्वेश्चन तो 17 की जगह 27 भी आ सकते थे। There could have been 27 questions. There could have been 8 questions. To whom, it doesn't matter. Let's say a person is solving, being able to solve only 7 questions. तो इसको क्या फर्क पड़ता है 27 आए या 8 आए, ठीक है? हमें ये देखना है, हम अपनी accuracy जो है, इसका percentage जो है, इसे maximize कैसे कर सकते हैं? इस साल हम क्या कर सकते हैं 2024 में, जो हम सीखें 2023 से और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो हमें काम आए नेक्स्ट ईयर। ऑल्सो वी विल सी कि किस तरह हम प्रीलिम्स से मेंस के लिए टिप्स ले सकते हैं। ऑलराइट, तो मेंस के लिए भी मैं कुछ प्रेडिक्शंस करूंगा यहां पे इस एनालिसिस में धीरे धीरे ओवर टाइम, जो हमें हो सकता है देखने को मिले, काम आए, एंड वी विल सी देन। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे। वील डील विद द सेट ए, तो जिसके पास भी पेपर नहीं है या है, इट डजेंट रियली मैटर, बिकॉज आई विल बी डीलिंग विद द क्वेश्चंस, इमेजेस आई हैव, सो यू विल गेट टू सी द क्वेश्चंस। स्टिल आपके पास है या नहीं, यू कैन मेक नोट्स फॉर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के साथ। सो दीज 4 क्वेश्चंस वी विल स्टडी इन दिस वीडियो फ्रॉम द सेट ए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इट टॉक्स अबाउट द, जस्ट अ सेकंड, सो इट टॉक्स अबाउट
झेलम रिवर पासिस थ्रू द वूलर लेक. इट टॉक्स अबाउट वन रिवर, टॉक्स अबाउट वन लेक. रिवर झेलम एंड वूलर लेक. सेकंड स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोल्लेरू लेक. सो रिवर यहां पे अब कृष्णा हो गई एंड लेक कौन सी हो गई? कोल्लेरू. एंड थर्ड ऑप्शन में गंडक रिवर और कांवर लेक के बारे में बात की गई है. ऑलराइट, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, यूपीएससी ने फिर से ये पैटर्न दे दिया है एंड ये चलता ही रहेगा अब. दिस इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पैटर्न ऑफ यूपीएससी विच केम आफ्टर 2022. 23 में भी आया है और 24 में भी अब यही आएगा और चलता रहेगा फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, अनलेस इधर पीपल फिगर आउट हाउ टू डिकोड दिस और अनलेस यूपीएससी फिगर्स आउट दैट देर इज अ बेटर टेक्निक टू आंसर द आस्क द क्वेश्चंस. सो अभी तो इसके लिए अपन प्रिपेयर रहेंगे ओनली वन ओनली टू के लिए. सो यू नीड टू नो द सर्टेन आंसर. आपको श्योर होना है एकदम, तभी आपको पता चलेगा हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ऑल राइट, चलिए. सो बात करते हैं अबाउट दिस क्वेश्चन. सो द सब्जेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडियन ज्योग्राफी. टॉपिक इज रिवर्स एंड लेक्स. देर आर मोर सब टॉपिक्स अहेड जो हम अभी डील नहीं करेंगे, जिन्हें हम यहाँ पर बाद में लिस्ट करेंगे और जानेंगे कि वो क्या क्या थे. हाउ वी कुड हैव फिगर्ड आउट अबाउट दिस क्वेश्चन. चलिए पिकअप्स की बात करते हैं. वॉट आर पिकअप्स? पिकअप्स वो हैं, वो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है. दैट मीन्स इट्स गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट विल हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चन. विदाउट द पिकअप्स, विदाउट पिकिंग अप द पिकअप्स इन फैक्ट, यू विल बी अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. चलिए, सो पिकअप्स क्या क्या हैं? झेलम रिवर, वूलर लेक, कृष्णा रिवर, कोल्लेरू लेक एंड गंडक रिवर, कांवर लेक. ऑल राइट, सो एक न्यू कमर की थीम क्या हो गई? न्यू कमर कौन है? जो नया नया एनालिसिस करने बैठा है या नया नया एक स्टूडेंट है जो इसे पता नहीं है कि पिछले साल हुआ क्या था, क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड एंड इंडिया में क्या चल रहा है. तो उसके लिए थीम क्या है भाई? रिवर्स एंड लेक्स. वो जाके क्या करेगा? रिवर्स एंड लेक्स पढ़ेगा. सारी रिवर्स खोलेगा, सारी लेक्स खोलेगा, उसको पढ़ेगा. लेकिन हम तो न्यू कमर नहीं है, वी आर द लेट्स ए लिटिल बिट एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट. तो बात करते हैं कि हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे. रिलेशंस यहाँ पे क्या क्या हैं? पासेस थ्रू, डायरेक्टली फीड्स एंड मीएंडरिंग. अच्छा, ये फिजिकल ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है. ऑलराइट, डायरेक्टली फीड्स का मतलब क्या है? कि सीधा सीधा इसका हिस्सा तो नहीं है, बट ए स्ट्रीम फ्रॉम दिस रिवर डायरेक्टली फीड्स दिस लेक. एंड पासिस थ्रू का मतलब क्या है? कि इसी का हिस्सा है. जो लेक है वो इसी रिवर का हिस्सा है. ये रिवर है और ये क्या है? लेक. ओके, तो बात क्या चल रही है? पासिस थ्रू मतलब ये झेलम रिवर है और ये वूलर लेक है. तो पहली बात तो ये है, डायरेक्टली फीड क्या चल रही है? कि कृष्णा रिवर ये है और कोल्लेरू लेक ये है, यहाँ से डायरेक्ट फीडिंग चल रही है. और मीएंडरिंग मतलब गंडक रिवर ये है और इसी से बनी है ये कांवर लेक. चलिए, तो अब जानते हैं पीवाईक्यू से इसका क्या संबंध है, ठीक है. तो 2010 का पीवाईक्यू देख लीजिए. यहाँ पर ये आ गई कोल्लेरू लेक. जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन का कलर आपके लिए चेंज कर देता हूँ. ओके, तो ये आ गई कोल्लेरू लेक, ये आ गई वूलर लेक, ये आ गई कृष्णा रिवर और ये आ गई झेलम रिवर. तो ये जो चार रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जो भी है, तो इनमें से दो पेयर तो यहीं क्लियर हो गए. पी वाई क्यू आपने किए ही होंगे 2010 के, है ना. तो दो पेयर तो यहीं क्लियर हो गए. कौन कौन से? कृष्णा एंड कोल्लेरू एंड वूलर एंड झेलम, ठीक है. पीवाईक्यू डायरेक्टली कभी रिपीट नहीं हो रहा है,
कि भाई सीधा सीधा वही पूछ लिया जो एग्जैक्टली पूछा था, लेकिन पीवाई क्योंकि ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, थीम्स रिपीट हो रही हैं, है ना, और अगर ऑप्शंस कंटेम्परेरीली इम्पॉर्टेंट हैं, कंटेम्परेरीली इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो जरूर रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऑलराइट, तो चलिए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि गोविंद सागर सतलुज, ये एक पेयर है, इसका आंसर आप मुझे बताना क्या था और क्या है। लेट्स सी व्हाई दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। ऑलराइट, तो इन तीन न्यूज को ध्यान से देखेंगे। लॉन्ग टेल्ड डक साइटेड इन वूलर लेक आफ्टर 84 ईयर्स। इसका मतलब एक माइग्रेटरी स्पीशीज जो है, आफ्टर 84 ईयर्स इट हैज बीन साइटेड इन द वूलर लेक। ओके, एंड 1 मिलियन विंग्ड विजिटर्स एक्सपेक्टेड दिस सीजन टू कोल्लेरू लेक इन आंध्र प्रदेश। तो अगेन, कोल्लेरू लेक इन आंध्र प्रदेश इज विजिटिंग माइग्रेटरी बर्ड्स। तीसरी बात करें कांवर लेक के बारे में, तो इज फेसिंग थ्रेट ऑफ रनिंग ड्राई, प्लस इसमें क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। चलिए, इसके बीच में और क्या क्या ऑप्शंस सिमिलर हैं, क्या क्या रिलेशन है, तीनों ही क्या हैं, रामसर साइट्स। और क्या स्पेशल है, वूलर लेक इज ऑल्सो ए रामसर साइट, इट इज ऑल्सो गोइंग थ्रू थ्रेट ऑफ रनिंग ड्राई। अच्छा, बात करें कोल्लेरू लेक के बारे में, दट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ऑलराइट, बात करें कांवर लेक के बारे में, तो इट इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। तो क्या क्या कॉमन थीम हो गई, ऑल आर फ्रेश वाटर लेक्स। जिसमें कि कोलेरू, वूलर और कांवर। तो ऊपर क्या देखा था हमने, कि कोलेरू इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द कंट्री। और क्या देखा था, कांवर लेक जो है एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, और ऑक्सबो लेक अगेन मीएंडरिंग। ऑलराइट, तो ये कॉमन चीजें हैं जो सभी के साथ में हैं, एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग द थ्रेट ऑफ रनिंग ड्राई। नॉट ओनली दीज टू, बट दीज ऑल आर ऑल्सो रामसर साइट्स। तो PYQ प्लस कॉन्टेम्पररी सिग्निफिकेंस, दीज आर द रीजन्स बिकॉज ऑफ विच दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। चलिए जल्दी जल्दी ऑप्शन को देख लेते हैं। सो वूलर लेक इज इन श्रीनगर इन कश्मीर, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसका जब हम मैप देखें, तो दिस इज द, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज द मैप ऑफ झेलम रिवर। एंड इसी की एक फ्लड जो रिवर है, सॉरी लेक है, दैट इज डल लेक, और इसी के बीच में से बनती है बूलर लेक। रामसर साइट है, फ्रेश वाटर लेक है, और माइग्रेटरी स्पीशीज को भी हार्बर करती है। ऑलराइट, और यहां से झेलम रिवर फिर निकल जाती है इन पाकिस्तान। ऑलराइट, चलिए, सो लेक वुलर इज अ रामसर साइट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया, लोकेटेड एट द बेस ऑफ माउंट हारामुख। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिवर झेलम इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर द लेक एंड पासेस थ्रू इट। दिस मीन्स आवर स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, सो रिवर झेलम इज प्राइमरी सोर्स, ये तो हमने पढ़ लिया। लॉन्ग टेल्ड डक्स ग्लोबली वल्नरेबल, तो यहां से आ गई वल्नरेबल स्पीशीज एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। वर सीन इन कश्मीर आफ्टर 84 ईयर्स एंड वर लास्ट सीन इन हॉर्कर्सर इन 1939 बाय एफ लुडलो। तो ये 2022 की न्यूज है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक स्म्यू डक स्पीशीज वर स्पॉटेड इन कश्मीर ऑल्सो आफ्टर 116 ईयर्स। बात करते हैं कोल्लेरू लेक की।
सो इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, है ना। और ये जो है ये गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में स्थित है, दिस इज लोकेटेड बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टास। तो कृष्णा रिवर डज नॉट डायरेक्टली फीड दिस लेक, ये याद रखना। यहाँ पे मैंने मैप भी डाल दिया है। ओके सो इट इज लोकेटेड हेयर बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। ये एक डेल्टा मान लीजिए यहाँ पर, गोदावरी डेल्टा एंड कृष्णा डेल्टा, और यहाँ पे है कोलेरू लेक। तो इट डज नॉट डायरेक्टली फीड इट। सो स्टेटमेंट टू जो है हमारा, ये हो गया इनकरेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि आपको क्यों इसके बारे में पढ़ना चाहिए था या फिर ये कहाँ से आ रहा है ना। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें ये पता ही होना चाहिए था कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में पड़ती है ये। हमें इसलिए जानना ज़रूरी था, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स, इट इज़ इनफैक्ट द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। इसी वजह से इम्पोर्टेंट है पहली बात तो, दूसरा रामसर साइट है, तीसरा माइग्रेटरी बर्ड्स को हार्बर करती है ना। तो इस वजह से हमें इसके बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। सो इट्स लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन द कंट्री, सर्व्स एन इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर वाइड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स, एंड द लेक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड प्रोटेक्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर एक सिटी है ईरान में जहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स के बारे में। चलो सो इट्स लोकेटेड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन एंड लेक इज फेड बाय सेवरल स्मॉल स्ट्रीम्स एंड चैनल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स बट नॉट बाय द कृष्णा रिवर डायरेक्टली। इट इज कनेक्टेड टू बे ऑफ बंगाल थ्रू ए चैनल कॉल्ड द उप्पुतेरू। सो ये भी आप याद रखना, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द कांवर लेक नाउ, इट्स बिहार फर्स्ट रामसर साइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किससे बनी है, मीएंड्रिंग ऑफ द, किस लेक से बनी है, किस रिवर से बनी है, गंडक रिवर से। सो कांवर वेटलैंड लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इंडिया, एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, पता ही होना चाहिए इसके बारे में तो। और MoEFCC ने इसको क्या डिक्लेयर किया, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार। सो डबल इंपॉर्टेंट, 10 स्टार इंपॉर्टेंट। सो इट इज रेसिड्यूअल ऑक्सबो लेक फॉर्म ड्यू टू मीएंड्रिंग ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये भी याद रखना, इट्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन द जियोलॉजिकल पास्ट। ठीक है, इसको मीएंड्रिंग बोलते हैं, इससे ऑक्सबो लेक्स जो होती हैं ये जनरेट होती हैं। इसमें दोनों चीजें काम करती हैं, इरोजन भी और सेडिमेंटेशन भी। तो सी शेप जो फेस है वहां पे क्या होगा, इरोजन। यू शेप फेस पे क्या होगा, सेडिमेंटेशन, याद रखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन क्या हो गया, कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट जो था हमारा कोलेरू कृष्णा वाला दैट इज इनकरेक्ट, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। सो टू ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ पर, इनको लेक्स हैं सॉरी, देख लेना। पेंगोंग सो तरोमरी की वूलर लेक, इसके बारे में क्वेश्चन आया ही है। डल लेक ये हमने पढ़ी, सुखना लेक, सांभर लेक ये सॉल्ट लेक है तो याद रखना, पुष्कर लेक ये वॉल्केनिक लेक है, वॉल्केनिक क्रेटर से बनी है, याद रखना। नाल सरोवर लेक गुजरात में है, भोजताल इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स, याद रखना। लोनार लेक इट्स ऑल्सो ए वॉल्केनिक क्रेटर लेक। सलीम अली लेक, सलीम अली वॉज ए बर्ड वॉचर एंड जूलॉजिस्ट। देर इज ए केरला, आतमडी लेक एंड वेम्बनाड लेक इन केरला। देर आर फ्यू मोर्स रिवर इन केरला, लेक्स इन केरला। पुलिकत लेक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिकत आपने पढ़ा ही होगा। कोलेरू इस पे क्वेश्चन आ गया है ऑलरेडी 2023 में। हुसैन सागर लेक, चिल्का लेक बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में, रामसर साइट थी। उमीम लेक इन मेघालय। लोकटक लेक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, हाई प्रायोरिटी। हैफलोंग लेक, दीपर बिल इन आसाम, ये बहुत न्यूज़ में था इस साल 2022 में भी, क्वेश्चन आ सकता था, नहीं आया है। कांवर लेक इन बिहार, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। भीमताल लेक इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सारा आप देख सकते हैं। सो हमने क्या सीखा यहाँ से, कि भाई लेक्स और रिवर को पढ़ना तो है लेकिन कंटेम्पररी इंपॉर्टेंस के साथ, कंटेम्पररी इंपॉर्टेंस के साथ, क्योंकि करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन अब अलग अलग नहीं करके पूछा जा रहा है इतना, है
ना, स्टैटिक पोर्शन भी करंट अफेयर्स के हिसाब से ही कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टैटिक पोर्शन सच एज पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सब, तो वो सब उतना ठीक है नहीं है इस करंट कंटेम्प्रेरी के हिसाब से, लेकिन कुछ ना कुछ स्टैटिक पोर्शन जो है वो करंट अफेयर के हिसाब से ही पूछा जा रहा है। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम सेट ए, एंड द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कामराजर पोर्ट विच आर द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। तो भाई कैसे पता है या नहीं पता है, हमें नहीं पता, देखते हैं। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, ऑल राइट। विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, हाँ या ना, हमें नहीं पता, देखते हैं। सो अगेन यूपीएससी ने अपना बहुत ही तगड़ा जो हथकंडा है वो अपनाया है, पेयर्स आर करेक्ट, तो भाई पता होना चाहिए। तो न्यू कमर तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही देगा ऐसे ही, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज रादर फैक्चुअल, ऑल राइट। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो कुछ लोगों को तो पता ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को नहीं पता, बट लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल डिड नॉट नो दिस, अबाउट 70 to 80% पीपल डिड नॉट नो दिस कि भाई ये क्या है ना। चलो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, सीख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे और नहीं कर सकते थे, है ना। समटाइम्स वॉट इज नेसेसरी रादर देन नोइंग वॉट इज आस्क्ड, नोइंग वॉट इज आस्क्ड इज टू नो अबाउट वॉट इज नॉट आस्क्ड, है ना। इफ यू नो दैट आउट ऑफ लेट से ए बी सी एंड डी ए इज द एल्डेस्ट वन, देन इफ आस्क दैट इज सी इज द एल्डेस्ट वन, देन यू डोंट हैव टू नो वेदर सी इज एज क्या है ना। यू शुड नो दैट ए इज द एल्डेस्ट वन, तो सी तो नहीं हो सकता है, तो ये कभी कभी जरूरी है, वो इस क्वेश्चन में काम आएगा, देखते हैं। तो सब्जेक्ट अगेन इंडियन ज्योग्राफी, टॉपिक क्या है, पोर्ट्स ऑफ इंडिया, सब टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट्स और पोर्ट्स इन ट्रेड। चलिए पिकअप से यहाँ से क्या क्या ले लेते हैं, अगेन आ जाते हैं कामराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट पर। सो ये पोर्ट हैं कामराजर, मुंद्रा और विशाखापट्टनम पोर्ट, कहाँ कहाँ है ज्योग्राफिकली देखेंगे अभी, इनकी ज्योग्राफी को समझेंगे, है ना। और एक प्राइवेटाइजेशन करके एक थीम है यहाँ पर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पोर्ट्स एंड वाई पोर्ट्स आर एट ऑल कंस्ट्रक्टेड, ये पोर्ट्स क्यों बनते हैं, इनका क्या काम है भाई, क्यों नए नए पोर्ट लोग बना रहे हैं, है ना। तो मैनी ऑफ देम आर ऑफसेट पोर्ट्स, जो मेजर पोर्ट है उनके बगल में एक छोटा पोर्ट बना दिया जिससे थोड़ा सा बहुत ट्रैफिक यहाँ आ जाए। तो यहाँ पे थीम ऑफ द क्वेश्चन जो है वो क्या हो गई, ज्योग्राफी तो है ही है, क्योंकि पोर्ट्स लोकेटेड कहां पर हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा नाउ इट्स रादर इजी टू सी फॉर अस बिकॉज ओनली फ्यू स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया इज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, बट देर आर ओनली सर्टेन स्टेट्स विच हैव अ कोस्ट लाइन, बाकी के स्टेट्स तो लैंडलॉक्ड हैं, जो बीच वाले हैं और ऊपर वाले हैं नॉर्थ में, है ना। तो ज्योग्राफिकली इट्स इंपॉर्टेंट कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है और वो क्या काम करता है, वाई इज और वाई आर वी टॉकिंग अबाउट कंटेनर पोर्ट्स, है ना। तो इसे कहाँ पे होना चाहिए, वेयर इट शुड बी लोकेटेड, सो वी विल सी दैट कि इसे यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए, है ना। इस दिस शुड बी विशाखापट्टनम पोर्ट और सम अदर पोर्ट इन मुंबई, सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमी ऑल्सो। मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी सॉल्व वाया कॉमन सेंस ऑल्सो। अच्छा ये कॉमन सेंस वाली बात जो है ये बाद में तो बहुत वर्क करती है, जब अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। एग्जाम में वी नीड टू बी वेरी श्योर कि भाई हम जो कर रहे हैं वो एकदम ठीक है या नहीं, तो कॉमन सेंस वहाँ पे मैक्सिमम हमको ना 50% ही एक श्योरिटी दे सकता है, बची हुई जो 50% है वो कहाँ से आएगी, दैट कम्स थ्रू आवर प्रीवियस नॉलेज। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पे या फिर किसी और पैटर्न बेसिस पे, एनालिसिस बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे, तो दैट विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू,
इन फाइनली सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो नॉलेज आपको गेन करना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनालिसिस, नॉट टू मेक यू फील कि आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर सकते हो, है ना. कॉमन सेंस विल गिव यू 50% मोर श्योरिटी व्हेन योर नॉलेज हिट्स यू. सो थीम ऑफ द क्वेश्चन क्या है? रिसोर्सेस प्लस प्राइवेटाइजेशन और कंटेम्प्रेरी थीम्स, इसको बोल लो आप, बट स्टिल अ फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर नहीं पता तो नहीं पता, है ना. चलिए, अच्छा रिलेशन क्या क्या है यहाँ पर ऑप्शंस में? सो रिलेशंस इन द ऑप्शंस आर, एक तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है तो उसमें फर्स्ट सच पोर्ट. नाउ जब हम ऑप्शन को तोड़ के देखें तो टू बी श्योर अबाउट लेट्स से ऑप्शन वन, इट हैज़ टू बी फर्स्ट, सेकंड नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी ए मेजर पोर्ट, इट हैज़ टू बी ए मेजर पोर्ट, एंड थर्ड इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. ये तीनों चीज़ें जब ठीक हैं 100%, देन वी कैन से द ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे सेकंड हो सकता था, यहाँ पे माइनर हो सकता था मेजर की जगह. सो इट हैज टू गो थ्रू ऑल दीज फिल्टर्स इन ऑर्डर टू बी करेक्ट. सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में लार्जेस्ट होना चाहिए विच इज प्राइवेटली ओन्ड, और थर्ड ऑप्शन में लार्जेस्ट होना चाहिए कंटेनर पोर्ट भी होना चाहिए. सो बोथ दीज पॉसिबिलिटीज मेक द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट. आई मीन द स्टेटमेंट और द पोर्ट विच इज बींग टॉक्ड अबाउट शुड पास थ्रू बोथ दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू बी करेक्ट. तो देखते हैं एक PYQ 2009 का. तो PYQ तो आपने सॉल्व किया ही होगा, है ना. स्पेशली लास्ट 20 ईयर्स PYQ जो हैं ये आपको करनी ही है ना. 20 साल मतलब 2000 क्वेश्चंस हो गए, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 20 आपके टेस्ट हो गए, मॉक टेस्ट मान लो इनको. तो दीज मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स PYQ जो हैं. चलो, तो इंडिया द पोर्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज मेजर एंड नॉन मेजर और माइनर पोर्ट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेजर पोर्ट. तो ये आपको अगर PYQ आपने पढ़ा हुआ है, और पढ़ा होना चाहिए था, मस्ट एंड मैंडेटरी है ना, तो ये पता होगा कि पोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर और नॉन मेजर पोर्ट्स. एंड मेजर पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? देर आर ओनली 13 मेजर पोर्ट्स. सो इज इट सो डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट 13 पोर्ट्स? हाउ डिफिकल्ट इज इट इफ यू आर टैकलिंग द UPSC एग्जाम? नॉट सो डिफिकल्ट बिकॉज देर आर ओनली 13, है ना. चलो, सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर हम आगे इसको फिगर आउट कर लेते हैं. चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया, क्यों पूछा गया भाई. तो बार बार तो ये न्यूज़ में था, इन द अप्रैल इट वॉज ऑल्सो न्यूज. सो कामराज पोर्ट टू बी एबल टू हैंडल केप साइज वेसल्स इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ इसका कैपेसिटी जो है, हैंडलिंग कैपेसिटी, उसको इंक्रीमेंट करेंगे. ओके, NGT स्लैम्स कामराजर पोर्ट नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन फॉर पॉल्यूटिंग एनोर क्रीक. ये एनोर क्रीक भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, लोकेशन है, इसके बारे में आप पढ़ लेना अलग से. ओके, एंड मुंद्रा पोर्ट, ये तो काफ़ी फेमस हुआ है आफ्टर द अफगानिस्तान ट्रेजडी बोल लो इसको, जो तालिबान का कब्जा हुआ है, तो कई सारे ड्रग्स वगैरह इससे भेजे जाते रहे हैं. और गुजरात के कोस्ट पे ये हैं दोनों पोर्ट्स, मुंद्रा और कांडला, है ना. चलो, तो तीनों को देखेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, चाहे वो विशाखापट्टनम पोर्ट हो, चाहे कांडला हो, जो भी हो. ओके, रियलिटी ऑफ द क्वेश्चन, व्हेन वी टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ द क्वेश्चन कि ये क्यों पूछा है भाई, कहाँ से आया है भाई, क्या ये न्यूज़ में था इसलिए आया, करंट अफेयर में था, तो नहीं, ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट द रियलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत स्मॉल न्यूज़ है ना, इनसिग्निफिकेंट है कि भविष्य में ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा इन द फ्यूचर. सो दिस इज नॉट करेंट अफेयर. दूसरी बात चली कि ड्रग सीज है ना, तो ड्रग सीज इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट थिंग. ड्रग्स आते हैं, सीज होते हैं, रोजाना का काम है. सो इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. तो दिस इज नॉट ए करेंट अफेयर क्वेश्चन, है ना. दिस इज नीदर अ स्टैटिक पोर्शन क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज इसमें जो ऑप्शन है ना, दे आर नॉट सच कि आप उन्हें स्टैटिक वे में पढ़कर और सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, कॉमन सेंस यस, 20 to 30% इसमें कॉमन सेंस लग सकता है, मतलब इन वन ऑप्शन तो वेरी क्लियर है,
विशाखापट्टनम वाला, लेकिन कुछ ऑप्शंस इसमें ऐसे हैं जो कि जिनमें कॉमन सेंस भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगा आपका, है ना। तो इट्स ए फैक्चुअल क्वेश्चन, लिटिल बिट रैंडम क्वेश्चन, लेकिन हम किस तरह इसको सॉल्व कर सकते थे, हम व्हेन आई टॉक अबाउट कि हम इस किस तरह सॉल्व कर सकते थे, आई टॉक अबाउट हाउ टू मिनिमाइज द रैंडमनेस। दैट मीन्स अगर हम इसके बारे में 70% भी श्योर हो सकते थे तो किस तरह हो सकते थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, है ना। तो हाउ क्लोज वी कुड हैव रीच्ड। हर क्वेश्चन तो हम 100% सॉल्व नहीं कर सकते प्रीलिम्स का, हर चीज़ से, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको छोड़ना ही है, वहाँ पे देखना है और आपको छोड़ना है, उसको लीव करना है। इसीलिए तो हाउ मच इज कट ऑफ, कट ऑफ जो है दैट इज क्लोज टू 85, 88, खींच के 90 मार्क्स मान लो, तो इसका मतलब आप 40% 50% भी क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, है ना। तो यू आर अटेम्प्टिंग अ गुड पेपर। सो हम यहाँ पे क्वेश्चंस के 80 to 90% क्लोज पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज पोर्ट्स। दिस इज कांडला पोर्ट, इसके पास में ही है मुंद्रा पोर्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज मुंबई पोर्ट, दिस इज JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दिस इज द बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट, दिस इज मोरमुगाव पोर्ट गोवा में है, न्यू मैंगलोर पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, बहुत बड़ा है, काफ़ी उपयोग का है, कोची पोर्ट, ये सारे अरेबियन सी की तरफ है। अब आ जाते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु, चेन्नई पोर्ट, और ये है एन्नौरे पोर्ट, इसको भी बोलते हैं कामराजर पोर्ट, ये चेन्नई पोर्ट के पास में है। अच्छा, जब दो पोर्ट बहुत पास पास हों, वेन टू पोर्ट्स आर लोकेटेड वेरी टुगेदर, वेरी क्लोज इन प्रॉक्सिमिटी, देन वन मीन्स कि एक मेजर पोर्ट है एक माइनर पोर्ट है, उसको ऑफसेट करने के लिए, उसका लोड लेने के लिए, है ना। पारादीप पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ओडिशा में है, ये याद रखेंगे इसको। दिस इज विशाखापट्टनम पोर्ट, ऑल्सो ए मेजर पोर्ट, और ये है कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट, ये वेस्ट बंगाल में है। पारादीप पोर्ट को स्पेशली याद रखना। चलिए तो बात करते हैं मेजर एंड माइनर पोर्ट्स ऑफ इंडिया की। देर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, तो सिर्फ 13 है ना, नंबर को अच्छा नहीं माना जाता लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, इनको याद रखना। कौन कौन से हैं? कांडला पोर्ट ऑफ गुजरात, इसी को बोलते हैं दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, JNPT महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन ऑल्सो, मोरमुगाव पोर्ट इन गोवा, कामराजर पोर्ट इन तमिलनाडु, चेन्नई पोर्ट इन तमिलनाडु, वीओ चिदम्बरम पोर्ट इन तमिलनाडु, न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट कर्नाटका, कोची कर्नाटक, केरला सॉरी, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, पारादीप बताया था हमने उड़ीसा में, कोलकाता एंड हल्दिया वेस्ट बंगाल में, हल्दिया भी वेस्ट बंगाल, है ना। तो ये दोनों WB के हो गए। अच्छा, आपने ये और भी याद रखना है कि किस स्टेट में मोर देन वन मेजर पोर्ट हैं या पोर्ट भी हैं, है ना। अभी कल को दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम दैट हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन दिस सर्टेन स्टेट, कि भाई कर्नाटका है लेट्स से, तो इसमें मेजर माइनर पोर्ट कितने हैं या एटलीस्ट मेजर पोर्ट्स कितने हैं, तो ये भी आपने याद रखना है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं। अभी हो सकता है कि देर आर 256 और 250+ माइनर पोर्ट्स, तो ये क्वेश्चन ना आए, है ना। लेकिन अगर कोई फेमस पोर्ट्स है इन 250 में से भी, फेमस है या इम्पोर्टेंट है, तो उसको देकर पूछ ले कि दीज पोर्ट्स आर इन कर्नाटका या दीज पोर्ट्स आर इन वेस्ट बंगाल, है ना। तो दिस कैन कम, तो इसके लिए बी रेडी। चलो कामराजर पोर्ट की बात करते हैं। सो लोकेटेड नियर चेन्नई पोर्ट, बोथ आर मेजर, ठीक है। तो कामराजर पोर्ट इज द 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, लोकेटेड ऑन द कोरामंडल कोस्ट। कोरामंडल कोस्ट कौन सी तरफ हो गया अपने? ईस्टर्न एंड पे, है ना। तो इट इज द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड सॉरी मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया एंड इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। द पोर्ट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मेजर पोर्ट अंडर द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 इन मार्च 1999। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, इसको आप ज़्यादा माइंड मत करना, थोड़ा बहुत हंस लेना अच्छा रहता है, लाइट। चलो, सो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट एक्वायर्ड अराउंड 67% स्टेक इन सेंटर, और बाद में इसका जो 23% था वो भी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने ही एक्वायर कर लिया। तो कुल मिला के चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ही है एक तरह से, उसकी एक ब्रांच या एक्सटेंशन मान लो, लेकिन है एक मेजर पोर्ट, है ना। एनवीसेस्ड बीइंग अ सैटेलाइट पोर्ट टू द डीकंजेस्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट क्वालिटी एट द बसलिंग चेन्नई पोर्ट। तो जैसा कि मैंने कहा था,
ये ऑफसेट पोर्ट है एक तरह से, है ना, चेन्नई पोर्ट का। जितना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह चेन्नई पोर्ट पे हो जाता है तो उससे बचने के लिए ये एक कामराजर पोर्ट बनाया था। द लैंडलॉर्ड पोर्ट इज़ अच्छा, ये लैंडलॉर्ड पोर्ट का एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट काफ़ी पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में। इस बार आया था कि लार्ज फील्ड स्मॉल फार्मर का एक आया था, है ना, तो लैंडलॉर्ड पोर्ट का कंसेप्ट भी देख लो। सो इट इज़ मिक्स्ड पब्लिक प्राइवेट ओरिएंटेशन। अंडर दिस मॉडल द पोर्ट अथॉरिटी एक्ट्स एज ए रेगुलेटरी बॉडी एंड एज लैंडलॉर्ड, वाइल पोर्ट ऑपरेशंस आर कैरीड आउट बाय प्राइवेट कंपनीज। तो लैंडलॉर्ड पोर्ट का एक कंसेप्ट है, ये भी आप समझ लेना। चलो बात करें मुंद्रा पोर्ट की, तो ये कहाँ पे है भैया? गुजरात में, और वेस्ट में है कांडला पोर्ट के, ये भी याद रखना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि अरेबियन सी से जहाज निकला, ठीक है, तो कौन कौन से पोर्ट्स को टच करता हुआ आएगा? अगर मान लो उसको लास्ट में लेट्स से गुजरात की क्रीक में जाना है, गल्फ ऑफ कच्छ में जाना है, तो कौन कौन से पोर्ट्स उसको बीच बीच में मिलेंगे, है ना, या उनका ऑर्डर क्या रहेगा? तो यहाँ पे मुंद्रा आएगा, यहाँ पे कांडला आएगा। अब बीच में इंटरनेशनल पोर्ट्स भी इसमें आ सकते हैं, है ना, या कौन कौन से सारे पोर्ट्स को टच करता हुआ आ रहा है, तो मेजर पोर्ट कौन कौन से मिलेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं, दे कैन गेट अ बिट क्रिएटिव एज वेल, तो ये याद रखना, ठीक है। एंड ये भी याद रखना है कि नॉर्थ साइड ऑफ द गुजरात का जो शोर है, ये वाला कोस्ट लाइन है, इसके नॉर्थन उस पे है। चलो, इट्स द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया। इट इज़ नॉट अ मेजर पोर्ट, मेजर पोर्ट नहीं है। इट्स लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न शोर्स ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ नियर मुंद्रा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। एंड मुंद्रा इज ए मेजर हब फॉर कंटेनर एंड बल्क कार्गो रन बाय अडानी पोर्ट्स, है ना। अडानी आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। अंडरगोइंग मेजर डेवलपमेंट टू कन्वर्ट इट इंटू एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर एयर कार्गो ऑल्सो, तो भविष्य में भी आ सकता है। विशाखापट्टनम पोर्ट यहाँ पे है, काफ़ी सारा इसमें आप देख सकते हो बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल सा हार्बर भी है। चलो, इट्स ए नेचुरल हार्बर एंड सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम हैंडल्ड। इट इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन द पोर्ट्स ऑफ चेन्नई एंड कोलकाता। कोलकाता पोर्ट की हमने बात की थी। सो इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट, इट इज़ इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट, ये याद रखना, विशाखापट्टनम जो है इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट, है ना। इट हैंडल्स द शिपमेंट ऑफ आयरन ओर टू जापान। दे आर फैसिलिटीज फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग शिप्स। आयरन ओर, कोल, एलुमिना, ऑयल आर ट्रेडेड हेयर। अच्छा, लेकिन JNPT जो है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये भाई, JNPT, ये याद रखना, ठीक है। मुंबई पोर्ट क्या पास में है ये, और डेवलप्ड एज सेटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट। तो पहले जो मेजर पोर्ट बन गए थे उनका प्रेशर हटाने के लिए इसको बनाया गया। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं उनका एक यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, या तो ये वीडियो पॉज करके देख लेना। तो कांडला पोर्ट हो गया, मुंद्रा हो गया, पोरबंदर भी यहीं पे है, वेरावल, भावनगर, भरूच, सूरत, भरूच इंपॉर्टेंट है ना, JNPT हो गया, मुंबई पोर्ट भी यहाँ पे, रत्नागिरी, और गोवा में हो गया अपने पणजी और मोरमुगाव, कर्नाटका में इंपॉर्टेंट है मंगलुरु पोर्ट, न्यू मंगलुरु पोर्ट, कोच्चि, आलापुझा, तूतीकोरन, नागरीपट्टनम, चेन्नई, एन्नौर, एन्नौर वही है अपना कामराजर पोर्ट, ठीक है, कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम यहीं पे आंध्र प्रदेश में, कलिंदा, विशाखापट्टनम, ये सब पट्टनम वाले आंध्र प्रदेश में है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में बताया था, हल्दिया एंड कोलकाता पोर्ट अपने वेस्ट बंगाल में हो गए। तो चलो, सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन क्या है भाई? ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कामराजर पोर्ट वाला, दूसरा स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट मुंद्रा पोर्ट वाला, लेकिन तीसरा विशाखापट्टनम पोर्ट वाला इनकरेक्ट है। सो ओनली टू आर करेक्ट, है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज भाई, जैक फ्रूट, महुआ, टीक, है ना, हाउ मेनी ऑफ एबव आर डेसिडुअस ट्रीज। तो तीन यहाँ पे पोर्ट, सॉरी, अपने ट्रीज आ गए दिमाग में, वही पोर्ट चल रहा है ना। चलो, जैक फ्रूट, महुआ और टीक, तो तीन पेड़ों की बात की जा रही है यहाँ पे। चलो, ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट से नहीं है, याद रखना, दिस इज़ फ्रॉम ज्योग्राफी। तो एक तो आ गया अपना जैक फ्रूट। जैक फ्रूट क्या है? कटहल। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी चल रही है इसके नाम से। चलो, दूसरा कौन सा आ गया? महुआ और टीक। तो महुआ का पेड़ तो महुआ का ही है, इसे महुआ के नाम से ही जाना जाता है। वेरी फेमस अमंग ट्राइबल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि सोशली और इकोनॉमिक दोनों इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तीसरा जो है अपना टीक आ गया। टीक क्या है? वुड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीक की वुड बहुत काम आती है ना।
चलो अब ये तो हो गई इनकी इकोनॉमिक यूज़ मान लो, कटहल खाने के काम आता है ना, कुकिंग में काम आता है, लेकिन इट इज़ आस्किंग अबाउट द नेचर ऑफ दीज ट्रीज, ठीक है, और ये ट्रीज की बात कर रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि भाई ये डेसिड्यूअस है या एवरग्रीन है, तो ये क्या है, या सेमी डेसिड्यूअस है, सेमी एवरग्रीन है, क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं, और अगेन फिर से यूपीएससी इज ऑन द टास्क कि हाउ मेनी ऑफ द अबव डेसिड्यूअस ट्रीज, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री। एक चीज़ रेट्रोफिटिंग में याद रखना कि ज़्यादातर आप वही क्वेश्चंस देखो जिनमें ऐसे ऑप्शंस बन भी सकते हैं, ये ओनली वन ओनली टू वाले, है ना, हर क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस भी नहीं बन सकते। तो जब क्वेश्चन आप दिमाग में सोचोगे यार ये आ सकता है, तो इसमें एक बार देखो कि इसमें किस तरह से ऐसे ऑप्शंस बन सकते हैं, है ना। चलो तो सब्जेक्ट क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है, टॉपिक है अपना फॉरेस्ट रिसोर्सेस, सब टॉपिक आ गया डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है यहाँ पे, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं सर फॉरेस्ट रिसोर्सेस, बिकॉज दे आर हैविली रिलेटेड टू द इकोनॉमी, द ट्रीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, किस तरह से हैं। सो कटहल जो है दैट इज यूज इन फूड कंजम्पशन और कंज्यूम्ड एज ए फूड, महुआ मैंने आपको बताया था एज ए फूड बहुत काम आता है ट्राइबल्स के, इसका फ्रूट बहुत काम आता है, इससे वाइन भी बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इससे बनती है वाइन, है ना, महुआ की। और तीसरा जो है अपना टीक, वो काम आता है फर्नीचर के। चलो तो इन तीनों की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये काम आते हैं, क्या है। तो पिकअप्स ले लेते हैं हमारे अगेन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, कंज्यूमेबल और ट्रॉपिकल, ट्राइबल, वुड एंड फर्नीचर। अच्छा ये ट्रॉपिकल कहाँ से आया, कि अचानक से ट्रॉपिकल भी डाल दिया सर आपने, बताया तो है ही नहीं। तो ट्रॉपिकल जो है कटहल, अब ये चीज़ या तो आपको पता होनी चाहिए थी, है ना, बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज, या आप को एक्सपोजर थोड़ा हो, अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो तो आपको पता चलेगा कि ये इन जगहों पे नहीं मिलता, जैसे आप राजस्थान में रहते हो कटहल उतना नहीं मिलता, है ना, यूपी एमपी साइड रहते हो थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि आजकल उन जगह पे उगाया जा रहा है, बट इट्स मोस्टली ए ट्रॉपिकल ट्री, इसको ज़्यादा गर्मी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन सेंस से कैसे आप फिगर आउट कर सकते हो इस चीज़ को, यहाँ पे आ जाते हैं अपन। तो ये देखो कि जिन चीज़ों के फ्रूट्स बहुत बड़े हैं, बहुत सारा उनमें लेट से पल्प है, बहुत सारा वाटर है, तो ये उन्हीं स्टेट्स में उग रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी या तो ह्यूमिडिटी है, बहुत सारे इनको टाइम मिल रहा है ग्रोथ के लिए, इनकर्जन इतना नहीं है, और जिनके फ्रूट्स बड़े हैं तो वो ड्राई इन्वायरमेंट में नहीं उग रहे हैं, है ना, थोड़ा वेट इन्वायरमेंट में उग रहे हैं। जैसे कि अब आप ड्राई इन्वायरमेंट में जब जाओगे, व्हेन यू गो टू स्टेट्स लाइक राजस्थान, लेट्स टॉक, सो आपको ज़्यादातर क्या किसके ट्रीज मिलेंगे, लेट्स से शीशम, बबूल, जिनके पेड़ और फल कैसे हैं छोटे छोटे, लाइक बेरीज, है ना, छोटे और एकदम ड्राई हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कटहल, जैक फ्रूट, इसका फल जो है इट इज़ यूजुअली वेइंग अप टू 7 to 12 kgs, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स टाइम टू ग्रो, इट रिक्वायर्स ह्यूमिडिटी टू ग्रो, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, स्टिल ओनली ऑन बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज यू कुड हैव फिगर्ड आउट कि किस टाइप का ट्री है। हम ये कहाँ से चेक करेंगे कि किस टाइप का ट्री है नहीं है, देखेंगे कि हमें क्यों पता होना चाहिए था, क्या एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है कहीं पे या नहीं है, है ना। चलो सो थीम ऑफ द क्वेश्चन क्या हो गई भाई, बेसिकली ट्रीज हो गए या फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। चलो आगे देखते हैं पीवाईक्यू, तो PYQ पूछ लिया है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज। तो टीक अब यहाँ पे आ गया, मतलब एक स्टेटमेंट तो अपना सॉल्व हो गया, वन स्टेटमेंट आई विल कंसिडर सॉल्व, बिकॉज ये पहली शर्त है कि PYQ आपने सारे किए होने चाहिए, PYQ आपने सारे पढ़े होने चाहिए, है ना। तो चलो जब बात करें अपन टीक की, यस PYQ की, तो
ऑप्शंस हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड्स। तो टीक जो है ग्रासलैंड में उगने वाला ट्री तो नहीं है, इसको तो एलिमिनेट ही कर दो यहाँ से, टेम्परेट फॉरेस्ट को। बचे ये तीन है ना, तो मॉइस्ट डेसिड्यूस इसको हम देख लेते हैं, PYQ 2015 का है तो NCERT में ये है या नहीं है, कहाँ पे है, क्या है ना। चलो सो NCERT के रिलेशन कहाँ से है, क्लास 9 चैप्टर 5 से फेंक के मारा है डायरेक्ट क्वेश्चन। सो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, स्प्रेड ओवर रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इन टू मॉइस्ट एंड ड्राई। तो 70 के आसपास वाले ड्राई हो गए और 200 के आसपास वाले मॉइस्ट हो गए भैया, क्योंकि रेनफॉल वेरिएबिलिटी इंडिया में काफ़ी हाई है, तो सिंगल उसमें क्लासिफिकेशन करना तो संभव नहीं है। लेकिन चलो डेसीडियस दोनों ही हैं, मॉइस्ट और ड्राई कर दिया। बात करें मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट की, तो दीज आर मोस्ट मोर प्रोनाउंस इन द रीजन्स विच विल रिकॉर्ड रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर है ना। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलॉन्ग विद द फुटहिल ऑफ हिमालय, ईस्टर्न स्लोप्स, उड़ीसा। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए भाई, टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ। तो टीक और महुआ, टीक और महुआ, ये तो दोनों कवर कर लिए डेसिड्यूस में, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व डायरेक्ट हो गया है ना। बचा कौन सा, अपना जैक फ्रूट बचा। तो दो स्टेटमेंट के बारे में श्योरिटी तो एनसीईआरटी लिख के देता है कि ये दो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ओनली वन पेयर, ये ऑप्शन तो हो गया खल्लास। बचे कौन से, ओनली टू पेयर और ओनली थ्री पेयर, ये दो ऑप्शन बचे है ना। चलो एक सेकेंड, व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन, लेट मी सी, नन। तो ये दो ऑप्शन तो गए, बचे कौन से ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड। तो एक तो ये खत्म हो गया, एक ये खत्म हो गया, बचे ये ओनली टू एंड ओनली थ्री। ठीक है, अच्छा थ्री में टू भी शामिल है, मतलब अपने को सिर्फ जैक फ्रूट का अब देखना है। ठीक है, पहली बात तो डेसिडियस में तो मेंशन है नहीं जैक फ्रूट, एनसीईआरटी में भी ये रहे। तो एनसीईआरटी में डेसिडियस में मेंशन नहीं है, है ना। वाई आस्क, दो ऑप्शंस हैं वाई आस्क के, दो रीजंस हैं कि एक तो आप एनसीईआरटी कितनी पढ़ रहे हो, एक आप PYQ देख रहे हो नहीं देख रहे हो, और तीसरा सिंपली क्या है भाई, IFS के भी इसमें पेपर साथ में लग रहा है, IFS जो है फॉरेस्ट सर्विस, तो उसका भी लोग दे रहे हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के साथ में, या फॉरेस्ट की जो स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए भी पेपर सेट करना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आते रहे हैं है ना। इसमें आपके लिए सिंपल क्या बनाया है, NCERT और PYQ का रेफरेंस दे के। NCERT में स्पेशली मैंशनड है दोनों टीक एंड महुआ। ठीक है चलो आगे बात करते हैं। तो कुछ ये न्यूज़ हैं जो आपको पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं। सो कर्नाटका फार्मर्स पिन होप्स ऑन मलेशियन रेड जैक फ्रूट वेराइटी डांग सूर्या, महुआ सीड्स आदिवासी से यहाँ पे एक न्यूज़ में है, और टीक फॉरेस्ट ऑल्सो दे आर इन द सेम रीजन। तो टीक और महुआ तो साथ में आई है, जैक फ्रूट की बात चल रही है। जैक फ्रूट जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेरी बिग फ्रूट्स, नीड्स ह्यूमिडिटी, वाटर, तो मोस्टली फ्रूट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन है ना, मोस्टली फ्रूट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। अच्छा लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं हो रही है ट्रॉपिक है या सेमी में डेसिड्यूस है, जो भी है बात ये चल रही है कि ये एवरग्रीन है डेसिड्यूस है। अच्छा डेसिड्यूस का मतलब पता ही होगा सबको, जिसके या तो जिसमें कुछ ना कुछ झड़ता है, फॉल्स ऑफ। डेसिड्यू का मतलब होता है स्किन एंड इट शुड फॉल ऑफ है ना। चलो तो क्या फॉल ऑफ हो सकता है, दो चीज़ें फॉल ऑफ हो सकती हैं एक ट्री से, या तो उसके फ्रूट्स या उसकी लीव्स। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनकी लीव्स नहीं गिरती हैं, सिर्फ फ्रूट्स गिरते हैं हर साल, तो उनको सेमी डेसिडियस भी बोल दिया जाता है ना, सेमी एवरग्रीन बोल दिया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनकी लीव्स भी गिरती हैं, फ्रूट्स भी गिर जाते हैं, तो दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रीज। मेजरली वी आर डिवाइडिंग हेयर इन ईदर एवरग्रीन और डेसिड्यूस, सो दीज आर बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ लीव्स। अगर लीव्स गिरती हैं तो डेसिड्यूस हो गया, लीव्स नहीं गिरती हैं तो एवरग्रीन हो गया, सिंपल सी बात यहाँ पे हम ये रखेंगे। चलो तो अब जब हम बात करें जैक फ्रूट जैसी चीज़ की है ना, बड़ा फ्रूट है, इट टेक्स टाइम, ट्रॉपिकल का है,
तुम्हारा इंट्यूशन ये कहता है कि इट शुड नॉट बी डेसिडियस, इट शुड बी एवरग्रीन। इतना बड़ा फल को पकने में टाइम चाहिए एक तो, है ना, दूसरा ट्रॉपिकल का है, और पत्तियां अगर बार बार में झड़ेंगी फोटोसिंथेसिस कौन करेगा भाई। इसीलिए बड़े फल वाले जो भी हैं वो ज़्यादातर या तो सेमी एवरग्रीन होते हैं या फिर एवरग्रीन होते हैं, जैसे मैंगो भी है सेमी एवरग्रीन है ना। चलो अब बात करते हैं अपने आंसर की, सोल्यूशन की, इम्पॉर्टेंट पिकअप ले लो। तो टीक जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट कल्टिवेटेड हाई ग्रेड ट्रॉपिकल हार्डवुड है, कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन हेक्टेयर्स। 94% जो है वो ट्रॉपिकल एशिया में है, विद इंडिया में सबसे ज़्यादा है 44%, है ना। टीक प्लांटेशन किस लिए किया जाता है भाई, एनरिचिंग द फॉरेस्ट। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले प्लांट किया था केरल, केरल में निलंबूर में, है ना, और तब से ये सभी जगह प्लांट किया जा रहा है। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कैरीड आउट टीक प्लांटेशन इन द फॉरेस्ट अंडर डिफरेंट स्कीम्स। तो बेसिकली इसको फॉरेस्ट एनरिचमेंट के लिए प्लांट किया जाता है। एक ये मैप है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। चलो सो ये जो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस है, और यहाँ पे ये वाले जो है अपने मॉइस्ट डेसीडियस में आ जाते हैं। तो इन्हीं में आता है टीक एंड महुआ, टीक एंड महुआ। जो अपना कटहल है वो मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप में। चलो सो ये एक मास्टर टेबल है जो आपने बना लेनी है, ट्रॉपिकल थॉर्नी, अल्पाइन एंड सब अल्पाइन, हिमालयन ड्राई टेम्परेट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, ए फॉरेस्ट टाइप प्लस ट्रीज एसोसिएटेड ट्रीज, है ना। तो यहाँ पे जैसे अपना टीक आ गया, साल आ गया, महुआ आ गया, ये अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो इसको ज़रूर आप बना लें, है ना, कि कौन कौन से ट्रीज किस किस तरह के हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ये सारे अपने हो गए। रियलिटी तो क्वेश्चन अपन डिस्कवर कर ली थी कि भाई एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड आईओएफएस, इन तीनों की वजह से दिस क्वेश्चन हैज कम। और एनसीईआरटी में दो चीज़ें पहले ही मैंशनड है, तीसरा ऑप्शन उन्होंने रैंडमली डाल दिया है देख करके भाई, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दे दें। टीक ट्री के बारे में आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नेटिव टू एशिया एंड इंडिया, और टिम्बर में इसकी यूटिलिटी रहती है। ये मॉइस्ट डेसीडियस है, ये बात याद रखेंगे। महुआ जो है इट इज़ डेसीडियस ट्रॉपिकल ट्री, तो ये भी दिया हुआ है साथ में, इंडिया में पाया जाता है ट्राइबल बेल्ट्स में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह के आसपास, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी वाइन कलेक्शन, सीड्स एंड फ्रूट्स इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात आए जैक फ्रूट की, तो इट इज़ एवर ग्रीन ट्रॉपिकल ट्री, इट इज़ नॉट डेसीडियस, याद रखेंगे, है ना। आर्टू कार्पस हेट्रोफिलस, दो तीन तरह की इसकी पत्तियाँ होती हैं, वेस्टर्न घाट्स वगैरह में पाया जाता है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, है ना। चलो क्लाइमेट प्रेफरेंस इसकी है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, हॉट एंड ह्यूमिड ये एनवायरनमेंट इसको पसंद है। 35-35 किलो तक के इसके जो फल हैं वो आते हैं। तो ये अपना जैक फ्रूट का ट्री है, ये रहा आप देख लो यहाँ पर, है ना। ये बाकी अपना जो टीक एंड महुआ है वो है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो नेचुरली टीक एंड महुआ आर द, अगर ये आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी आप तुरंत लगा के आओगे टू पेयर, क्योंकि तो आपको पता है जैक फ्रूट तीसरा ऑप्शन जो है ना वो कंफ्यूज के लिए दिया है आपको, ये दोनों साथ में एनसीईआरटी में मेंशनड भी हैं। चलो ये चौथे क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं, एरेबल एरिया की बात चल रही है, व्हाट इज एरेबल एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात चल रही है प्रोपोर्शन, दोबारा देखो प्रोपोर्शन, इसी सेट वाले लेक्चर में मैंने बताया था, ऑफ द इरिगेटेड एरिया। तीसरी बात चल रही है प्रोडक्टिविटी की, है ना, कहाँ से आया है, फिर एनसीईआरटी में से देखेंगे भैया, बार बार एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, सबका सोल्यूशन है एनसीईआरटी। चलो देखते हैं इसको, नॉट टू मैंशन बट अगेन यूपीएससी ने खेला है ट्रम्प कार्ड, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर वाला, है ना। सो मुझे तो लगता है कि ऑप्शन फ्यूचर में यही सेम रहने वाले हैं, ओनली वन टू थ्री एंड नन। चलो देखते हैं, क्वेश्चन ही अब एलिमिनेशन बन गया है, जो भी बन गया है देखते हैं। सो इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अब चाइना का ज्योग्राफिकल एरिया तो इंडिया से बड़ा है, लेकिन यह बात चल रही है एरेबल एरिया की, और एरेबल एरिया क्या होता है, द एरिया दैट इज फिट फॉर कल्टिवेशन, फिट फॉर कल्टिवेशन। अच्छा दूसरी बात चल रही है इरिगेटेड एरिया की, है ना। तीसरी बात चल रही है एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर की, इनके सब के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो सब्जेक्ट क्या है इंडियन ज्योग्राफी, टॉपिक है एग्रीकल्चर इन इंडिया, एंड सब टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। PYQ भी यहाँ पे आया हुआ है, NCERT भी यहाँ पे काम की है, देखेंगे कैसे है कहाँ है ना। PYQ और NCERT पे ही पूरा पेपर टिका हुआ है कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। आप एटलीस्ट अगर ढंग से पढ़ी हो तो 60% ऑफ द पेपर तो इन दोनों के बेसिस पे ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। NCERT पढ़ी हुई है और PYQ क्लियर है, सारे रटे हुए हैं ये मान लो एकदम, ठीक है, याद नहीं है, रटे हुए हैं, ठीक है, एक एक ऑप्शन रटा हुआ होना चाहिए PYQ का। और ये हर साल बढ़ते जाएंगे, हर साल, एवरी ईयर दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बाय 100 मोर क्वेश्चंस, 100 मोर आंसर्स। तो अच्छा है कि आप पहले कर लो इनको, बजाय 2025 के जब आपने 200 क्वेश्चन और याद करने पड़ेंगे, क्यों करने हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं पिकअप्स। सो एरेबल एरिया, सो एरिया दैट इज फिट फॉर द कल्टीवेशन, ठीक है, जिस पे अपन हल चला सकते हैं, खेती कर सकते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन आ गया अपना पानी, दैट मीन्स वाटर। तो जो भी एरेबल एरिया है इसमें वाटर लगेगा, ठीक है, अगर वो मानसून से नहीं भरपाई हो पा रही है तो एरेबल एरिया में वाटर लगेगा, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, रिवर वाटर हो, उसी भी तरह से हो। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही इनको मान लो। अगर उस कंट्री में रेनफॉल वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, रेनफॉल बहुत कंटिन्यूस है, और रेनफॉल जो है ना ये इंडिया का एक फीचर है, ये मानसून की जो प्रोसेस है ये इंडिया के अलावा और कहीं नहीं होती है ना, बहुत ही इरेगुलर और डिफरेंट तरीके से रेन्स होती है अदर कंट्रीज में। तो जितना मानसून इंडिया में है उतना तो है ही है, उससे ज़्यादा लग रहा है इरिगेशन। तो इरिगेशन ज़्यादा लग रहा है इंडिया में, कहाँ से पता होना चाहिए था, PYQ दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और इरिगेशन और एरेबल एरिया एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चलो देखते हैं। सो एरेबल एरिया इरिगेशन, और बात चली प्रोपोर्शन की। सो प्रोपोर्शन क्या है, इन ए फिक्स्ड रेशियो विद इटसेल्फ, कि जितना लेट से चाइना में है, चाइना बड़ा है तो चाइना में मान लो ये एरिया भी बड़ा है, इंडिया लेट से थोड़ा छोटा है, तो प्रोपोर्शनेट एरिया होगा वो इतना ही होगा, है ना। चलो प्रोडक्टिविटी बात चल रही है, तो प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली द आउटपुट, ठीक है, मतलब कितने आउटपुट मिल रहा है अपने को, सो दैट इज प्रोडक्टिविटी, एंड एवरेज प्लस पर हेक्टेयर। सो बात अगर चले एवरेज की, तो लेट्स से इफ दिस इज इंडिया, देन वी आर टॉकिंग कंसिडरिंग दिस ऑल्सो, है ना, दिस ऑल्सो, तो टोटल एवरेज है, और पर हेक्टेयर मतलब 100 मीटर बाई 100 मीटर, 100 मीटर बाई 100 मीटर का जो एरिया है ऑन एन एवरेज, इसकी प्रोडक्टिविटी कहाँ है। चाहे ये एरिया एरेबल है लेकिन फिर कहीं भी हो, इट कैन बी एनी वेयर, वेदर इट इज इन हिमालयास इट इज एरेबल, वेदर इट इज इन वेस्टर्न घाट्स। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज प्रोडक्टिविटी, नॉट कंसिडरिंग स्पेशली द प्रोडक्टिविटी ऑफ सम रीजन। चलो जल्दी से PYQ का रिलेशन देख लेते हैं। सो दिस PYQ वॉज आस्क्ड, है ना, इन 2010 आई थिंक। सो इट्स सेइंग 36% ऑफ द इंडियाज रिसोर्सेस आर ओवर एक्सप्लॉइटेड इन ग्राउंड वाटर क्रिटिकल, CGWA के बारे में पूछा गया है, APA 1986 से रिलेटेड। ओके, ऑप्शन जो हमारा काम का है, दिस इज दिस ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इट इज आस्किंग अबाउट द करेक्ट आंसर, सो दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बेसिकली करेक्ट, है ना। चलो बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा पेन को लेकर मुझे इशू फेस करना पड़ा था। एनीवे लेट्स रिज्यूम। सो आउट ऑफ द 572 3 असेसमेंट्स, कुल मिला के जो फर्स्ट ऑप्शन था वो हमारा गलत था, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज क्रिटिकल देयर आर ओनली 4%, नॉट 36% एज टोल्ड इन द क्वेश्चन और मैंशन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट वन। चलो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज CGWA जो है ये EPA 1986 के अंडर ही बना था, सो इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये याद रखना, है ना। चलो लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमारा इम्पॉर्टेंट था, जस्ट अ सेकेंड, इसको अपन थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो इट एट 39 मिलियन हेक्टेयर्स, 67% ऑफ इट्स टोटल इरीगेशन इंडिया में किससे होता है, ग्राउंड वाटर से, है ना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो चाइना सेकेंड पे है, USA 17 पे है, सॉरी USA 3rd पे है, पाकिस्तान और बांग्लादेश 4th और 5th पे हैं, तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाते हैं NCERT से इस चैप्टर का क्या रिलेशन है। तो NCERT का क्लास 11th का चैप्टर 10 है,
डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, तो इंडिया एंड इट्स नेबर्स, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, है ना, ये इंडिया के नेबर्स हैं अपने, अफगानिस्तान है, ठीक है। चलो कुल मिला के बात ये है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी इज गिविंग द मैसेज दैट ऑल ऑफ द नेबर्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नेबर्स हैव गोन थ्रू ए सिमिलर पास्ट, है ना। मैं थोड़ा यहाँ पे आ जाता हूँ, खाली सी स्लाइड पे, ऑलरेडी यहाँ पे आ जाते हैं। सो इंडिया जो है और इसके जो भी नेबर्स हैं, तो अब ऑल हैव गोन थ्रू ए सिमिलर पास्ट इकोनॉमिकली, व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स, और चाहे कोई भी कंट्री हो, इट बिगिंस विद द प्राइमरी सेक्टर एंड मूव्स ऑन टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुअर नेशंस एंड डेवलप्ड नेशंस, है ना। ये अपने प्रोडक्शन को ऑफसेट कर देते हैं और इंपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन सेल्फ सफिशियंसी भी रिक्वायर्ड है, अदरवाइज क्या होगा, जो श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका में सेल्फ सफिशियंसी नहीं थी, फिर भी ये कंप्लीटली टर्शरी सेक्टर पे डिपेंड करने लगा, टूरिज्म पे डिपेंड करने लगा। इसने अपनी टी और कॉफी के जो प्लांटेशंस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग से बिल्कुल, और इसके जो इम्पोर्ट्स थे, जो फूड और फ्यूल इम्पोर्ट्स थे, वो इसको काफ़ी महंगे बैठने लगे, 4x इसका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गई इसके साथ बिकॉज ऑफ नॉन सेल्फ सफिशियंसी इन प्राइमरी सेक्टर और फूड प्रोडक्शन। ऑल राइट, तो ये ज़रूरी है, फूड प्रोडक्शन ज़रूरी है ना। सो इसके लिए तीन चीज़ें क्या चाहिए अपने को, एरेबल एरिया, इरिगेशन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी वी नीड हाई। अच्छा, एरेबल एरिया कम है तो हाई प्रोडक्टिविटी होगी, तभी इकोनॉमी फंक्शन करेगी। एरेबल एरिया हाई है तो इरिगेशन ऑल्सो नीड्स टू बी हाई। चलो अब इंडिया में सबसे ज़्यादा है ना इरिगेशन, तो ये याद रखेंगे। चलो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी किसको सॉल्व करती है ये देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट डज एनसीईआरटी सॉल्व, ठीक है। सो पाकिस्तान हैव मोर प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन देन इंडिया इन चाइना। ये देखो, ये आंसर अपना फर्स्ट स्टेटमेंट का आ चुका है। सो इन चाइना ड्यू टू द टॉपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस द एरिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ये अपना एरेबल एरिया हो गया, इज रिलेटिवली स्मॉल, ओनली अबाउट 10% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया। इंडिया का सिर्फ 40% है, इंडिया में जितना भी एरेबल एरिया है उसका सिर्फ 40% है चाइना में। तो ये अपना स्टेटमेंट वन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बिकॉज स्टेटमेंट वन क्या बोलता है, इंडिया में ज़्यादा है चाइना से। और इरिगेशन हमने देख लिया PYQ से, ये भी इंडिया में ज़्यादा है चाइना से, है ना। चलो बचा अपना स्टेटमेंट थ्री, तो उसके बारे में देखते हैं वो क्या कहता है। सो देखो यहाँ पे है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। चलो यहाँ पे कॉमन सेंस और थोड़ा सा एनसीईआरटी लगेगी। कॉमन सेंस किस तरह लगेगा पहले तो ये देख लेते हैं। तो कॉमन सेंस किस तरह लगेगा कि इंडिया में एरेबल एरिया भी ज़्यादा है और इरिगेशन भी ज़्यादा है, फिर भी कम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, और चाइना में कम एरेबल एरिया होने के बावजूद, कम इरिगेशन होने के बावजूद, इसने जल्दी से जल्दी ग्रो कर लिया, एक बड़ी इकोनॉमी को सपोर्ट कर लिया इसी एग्रीकल्चर ने। तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, एवरेज पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होगी, चाइना में, है ना। चलो 2023 तक भी, दूसरी कॉमन सेंस की बात ये देखो आप, 2023 तक भी हम अब तक क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर डूइंग पॉलिसी बिल्डिंग फॉर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, वी आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन लिटरेसी, फार्मिंग लिटरेसी, वी आर सब्सिडाइजिंग एंड प्रोड्यूसिंग मोर फर्टिलाइजर्स, नैनो यूरिया। सो व्हाट आर द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग, यहाँ पे इशू क्या है भाई, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल इश्यूज। टेक्नोलॉजी में पीछे हैं एंड इंस्टीट्यूशनल इश्यूज में पीछे हैं, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मार्केट एक्सेस हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, या फार्मर्स के लिए सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। सो दीज आर द इश्यूज दैट वी फेस, एंड इन्हीं के बारे में एनसीईआरटी ऑल्सो टेल्स। सो विदाउट कंपेटेबल
टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस दे हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड ऑन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर. सिंपली क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्टिविटी इज लेस, इनपुट तो काफ़ी सारा है बट आउटपुट नहीं है, इसलिए क्या देना पड़ता है इसको इक्वल करने के लिए, सब्सिडी, है ना. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है. तो इट नेचुरली मेक्स आवर स्टेटमेंट वन एंड टू ट्रू बट स्टेटमेंट थ्री इनकरेक्ट. अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे नई एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे पिछले कुछ सवालों को देखते हुए कि भैया जब तीन पेयर की बात आए तो वन एंड टू तो ट्रू होते हैं, थर्ड वाला होता है गलत, ठीक है, या फिर टू पेयर्स आर करेक्ट, थर्ड पेयर जो होता है वो होता है गलत. बट ऐसा कोई एलिमिनेशन टेक्निक मैं तो एटलीस्ट प्रमलगेट नहीं करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, ठीक है. तो चाइनीज एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इज जनरली हायर देन दैट इन इंडिया. रेंज ऑफ फैक्टर्स सच एज मशीनाइजेशन, मशीन ज़्यादा है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी ज़्यादा है, एडवांस्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू चाइनाज हायर प्रोडक्टिविटी. क्यों पूछा था, पूछा इसीलिए था, वही सेम रीज़न. एनसीईआरटी कितना पढ़ते हो, पीवाईक्यू की नॉलेज है या नहीं, और कॉमन सेंस है या नहीं, और थोड़ा बहुत आसपास के जो देश हैं उनके बारे में जानते हो या नहीं, ठीक है. चलो कुछ फसलें हैं जिनके बारे में मैं बता देता हूँ जो बार 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 क्वेश्चंस में पूछी जा रही हैं. टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, इन चारों से तो एटलीस्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ ही जाता है. एक कॉटन भी है इसमें, कॉटन भी मैंने मेंशन किया होगा, है ना. चलो कॉटन यहाँ पे आ गया, देखो, ठीक है, कॉटन यहाँ पे भी मैंने डाल दिया है. सो वीट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, इन सभी से क्वेश्चन इट हैज़ बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन. मिलिट्स वाला इसमें प्रीलिम्स में आ जा रहा है, मिलिट वाला ईयर भी चल रहा है, सो इट कैन कम इन नेक्स्ट ईयर. चलो लर्निंग, व्हाट्स द लर्निंग हेयर, अगेन लर्निंग इज कॉन्स्टेंट. एनसीईआरटी, पीवाईक्यू आर गॉड, है ना, दीज टू थिंग्स आर गॉड. इनको मस्ट मस्ट रीड एवरीथिंग अबाउट वॉट एवर दे मैंशन, है ना. इफ द एनसीईआरटी मैंशंस अरहर देन यू शुड नो के वेयर अरहर ग्रोज, इन विच स्टेट इट ग्रोज मैक्सिमम, डज इट नीड हाई वाटर, डज इट नीड लो वाटर, वॉट फर्टिलाइजर इज यूज हेयर, ठीक है. अब ये नहीं देखना है एग्जैक्टली कि पैटर्न क्या है भाई, मतलब एक्चुअल डेटा क्या है, पैटर्न बस देख लो. इफ़ इट्स द मोस्ट ग्रोन क्रॉप अमंग दाल्स, है ना, इज इट, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, वो आप खुद जज कीजिए. इफ़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देन यू मस्ट नो अबाउट इट, ठीक है. बट मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट एटलीस्ट टी, कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ पे तो बोर्ड से भी क्वेश्चन आ चुका है, वेयर इज द टी एंड कॉफ़ी बोर्ड आर लोकेटेड, इनकी ब्रांचेस कहाँ लोकेटेड है, दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो कम, है ना. सो ऑलवेज ट्राई टू बी क्रिएटिव अबाउट वॉट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ओनली यू कैन जज वॉट इज द बेस्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, है ना. अभी जैसे मॉक टेस्ट सीरीज वाले हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो वॉट आर दे डूइंग, चाहे DUS है, तो यहाँ पे हमारी टीम जो है, वॉट वी आर डूइंग इज टू क्रिएट द क्वेश्चन. सो वी आर ऑल्सो अप्लाइंग ब्रेन दैट फ्रॉम दिस टॉपिक वॉट क्वेश्चन कैन कम, है ना, वॉट कैन बी आस्क्ड. सो दिस इज द सेम थिंग विच यू कैन ऑल्सो डू. You, when you read a topic, you think about what question can be asked from here. इससे क्या question बन सकता है, ठीक है. चलो solution of the question पे आ जाते हैं. तो solution of the question is simple now, very simple. क्या है solution भाई, इंडिया में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हैं, इंडिया में arable area ज़्यादा है, इंडिया में irrigation ज़्यादा है, लेकिन productivity क्या है, चाइना में ज़्यादा है. सो इट मेक्स आवर ओनली टू स्टेटमेंट्स करेक्ट, ओनली टू आर करेक्ट. चलो सो दिस विल बी आर आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो दिस इज यथार्थ हियर, आई विल डू द एनालिसिस ऑफ फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो और एनी अदर क्वेश्चन विच डीम इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो अभी आप पढ़ते रहिए, एनालिसिस देखते रहिए, आपकी जो भी रिएक्शन है यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, वॉट एवर योर सजेशंस आर यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल. ऑन आर टेलीग्राम चैनल you can see important posts which we are posting every day. We have also brought course for ethics, case studies and essay for mains. So that also you can see from our Telegram channel. Get these courses and ensure your selection in mains. Chaliye.
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दिस इज यथार्थ हियर साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी वेरी ब्राइट डे. मैं लिख भी देता हूँ, हैव अ गुड डे फ्रॉम टीम DUS एंड मी. थैंक यू वेरी मच. सी यू.